Hello everyone. Today we are going to start our 8th lecture for class 5 and our chapter is also 5. So children, today our topic is polygons, triangle and quadrilateral. So children, we are going to discuss each of these topics one by one, starting from polygon. So children, what do you mean by polygon? So children, a closed figure bounded by at least 3 line segment is called a polygon. It means children, aisa koi bhi closed figure jo ki bounded ho at least 3 line segment se, usko hum log polygon bolte hain. So children, the line segment which form a polygon are called its sides. It means children, aap yahan pe dekh rahe hoge jo line segment आपका एक फॉर्म हो रहा है पॉलीगॉन, इस लाइन सेगमेंट को हम लोग साइड्स बोलते हैं. एंड चिल्ड्रन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द साइड्स ऑफ ए पॉलीगॉन आर कॉल्ड इट्स वर्टिसेस. इट मींस चिल्ड्रन, जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है साइड्स का, इसको हम लोग वर्टिसेस बोलते हैं. सो यू कैन सी इन दिस देयर इज 1, 2, 3 वर्टिसेस एंड 1, 2, 3 साइड्स. बट पॉलीगॉन्स आर ऑफ मैनी काइंड्स अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ साइड्स दे हैव. इट मीन्स चिल्ड्रन, पॉलीगॉन्स बहुत टाइप्स के होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ साइड्स दे आर हैविंग. फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रन, इफ यू कैन सी हियर, आई हैव ड्रॉन 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिफरेंट पॉलीगॉन्स एंड ईच ऑफ दिस पॉलीगॉन हैव डिफरेंट साइड्स. लाइक दिस इज हैविंग 3 साइड्स, दिस वन इज हैविंग 4 साइड्स, दिस वन इज हैविंग 1, 2, 3, 4, 5 साइड्स, दिस वन इज हैविंग 6 साइड्स, this one is having 7 sides and this one is having 8 sides. So children, polygons jo hai wo bahut sare kinds ke hote hain jo depend hote hain on the number of they are having. So children, these are the common polygon. So children, first of all, a polygon of 3 sides is called a triangle. aise polygons jo 3 sides ke hote hain unko hum log triangle bolte hain. So you can see here this first figure is our triangle because it is a polygon of 3 sides. Then children, a polygon of 4 sides is called a quadrilateral. It means children, जो polygon 4 sides के होते हैं उनको हम quadrilateral बोलते हैं. Like this second figure, 1, 2, 3, 4 sides it is having, so this is a quadrilateral. Then children, a polygon of 5 sides is called a pentagon. It means children, जिस polygon की sides 5 होगी उसको हम लोग pentagon बोलते हैं. So you can see here 1, 2, 3, 4, 5, so this is a pentagon. सिमिलरली अ पॉलीगॉन ऑफ 6 साइड्स इज कॉल्ड अ हेक्सागॉन. इसी तरह से चिल्ड्रन, जिस पॉलीगॉन की साइड 6 होगी उसको हम लोग हेक्सागॉन बोलेंगे, जिस पॉलीगॉन की साइड 7 होगी उसको हम लोग हेप्टागॉन बोलेंगे एंड जिस पॉलीगॉन की साइड 8 होगी उसको हम लोग ऑक्टागॉन बोलेंगे. चिल्ड्रन, आप देख रहे हो सारे पॉलीगॉन्स की नेम चेंज हो रही है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ साइड्स दे आर हैविंग. सो चिल्ड्रन, अ पॉलीगॉन हैविंग ऑल इट्स साइड्स and angles congruent is called a regular polygon. इसके बारे में आप लोग अपनी further classes में पढ़ोगे कि a polygon having all its sides and angles congruent, उसको हम लोग regular polygon बोलते हैं. Now children, this is very important. This can boost your knowledge because जब आप class 6 में जाओगे या 7, 8 class में जाओगे तो आप probably इसको 8 class में ही पढ़ोगे कि जिस भी पॉलीगॉन की सारी साइड्स एंड एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती है उसको हम एक रेगुलर पॉलीगॉन बोलते हैं. इसकी एक अलग सी फॉर्मूला होती है, बट नाउ आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू दिस बिकॉज इट विल बी वेरी, दिस इज नॉट अप टू योर लेवल ऑल्सो. सो आप अभी बस इतनी जान लो कि जिस भी पॉलीगॉन की सारी साइड्स एंड एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती है उसको हम लोग रेगुलर पॉलीगॉन बोलते हैं. और चिल्ड्रन, आवर टॉपिक, सेकेंड टॉपिक इज ट्राइंगल. सो वी आर वेरी फैमिली ऑफ टॉपिक ट्राइंगल, जिसे हम लोग ने क्लास 1, 2, 3 में, 4, 5 में, 4 क्लास में, 3 क्लास में पढ़ा होगा कि जिस भी 3 साइड्स, 3 एंगल, 3 वर्टिसेस को हम लोग ट्राइंगल बोलते हैं जो कि एक क्लोज्ड फिगर होता है. सिमिलरली चिल्ड्रेन, अ क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ ट्राइंगल. अब देखो 1 लाइन सेगमेंट, 2 लाइन सेगमेंट, 3 लाइन सेगमेंट, ये क्लोज्ड फिगर है जो कि बाउंडेड है आपके 3 लाइन सेगमेंट से. सो एनी फिगर विच इज क्लोज फिगर, ये हमेशा ये आप देखो फिगर क्लोज है, कहीं से भी ओपन नहीं है. सो अ क्लोज फिगर विच इज बाउंडेड बाई 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ ट्राइंगल. चिल्ड्रन, आप लोगों को पहले से पता है कि एक ट्राइंगल में 3 वर्टिसेस होते हैं, 3 साइड्स होते हैं एंड 3 एंगल्स होते हैं. सो यू कैन सी ए बी इज फर्स्ट साइड,
BC is second side and AC is third side. Now come to angle. There is angle A, angle B and angle C. Three angles are there. And there are also three vertices like A, B and C. These are three vertices. चलिए हम लोग को पता है कि हम लोग ट्रायंगल को कैसे जोड़ करते हैं। हम कुछ ये लिखना होगा ट्रायंगल के लिए, तो हम लोग कैसे लिखेंगे? ट्रायंगल ए बी सी। सो ट्रायंगल इज नोटेड बाय दिस। सो चिल्ड्रन, ये सिंबल जो है वो आपका प्लेस्ड होता है बिफोर थ्री वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल टू रिप्रेजेंट इट। अगर हम लोग कोई ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करना है तो हम थ्री वर्टिसेस की देखो नेम लिखी हुई है, तो इसके बिफोर ही हम लोग ट्रायंगल के सिंबल को प्लेस्ड करते हैं। सो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगी साइड्स की नेम क्या है, तो आप क्या लिखोगे साइड्स की नेम में? ए बी बी सी एंड सी ए आर साइड्स नेम। एंगल्स की नेम क्या है चिल्ड्रेन? एंगल्स की नेम हम लोग क्या लिखेंगे? एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। वर्टिसेस की नेम क्या है चिल्ड्रेन? सो वर्टिसेस की नेम में क्या लिखोगे आप? वर्टिक्स, एक ए वर्टिक्स है, बी वर्टिक्स है एंड सी वर्टिक्स है। सो चिल्ड्रेन, आप लोग को ये थ्री चीज क्लियर हो गई कि ट्राइंगल को हम लोग इससे डिनोट करते हैं। ट्राइंगल में थ्री साइड्स होते हैं, थ्री एंगल्स होते हैं एंड थ्री वर्टिसेस होते हैं। चिल्ड्रेन, नाउ आवर टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स। अब हम लोग देखेंगे कि ट्राइंगल्स के क्लासिफिकेशन भी होते हैं। लाइक चिल्ड्रेन, ट्राइंगल्स को क्लासिफाइड किया जाता है टू वेज में। फर्स्ट आपका होता है बेसिस ऑफ एंगल्स के बेसिस पे एंड सेकेंड आपका होता है साइड्स के बेसिस पे। चिल्ड्रेन, फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं चिल्ड्रेन? क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। स्टूडेंट, फर्स्ट हम लोग का यहाँ पे है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। आप देखो, मैंने एक डायग्राम बनाया ट्रायंगल का और हर एक एंगल को नेम किया है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड हर एक एंगल की वैल्यू भी लिखी है। चिल्ड्रन, हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है एक्यूट एंगल के बारे में। चिल्ड्रन, अब यहाँ पे आपका टॉपिक है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। सो व्हाट डू यू मीन बाय एक्यूट एंगल ट्रायंगल? सो ट्रायंगल हुज ऑल द थ्री एंगल्स आर एक्यूट, इट मीन्स लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल। इट मीन्स चिल्ड्रन, अगर ट्राइंगल की हर एक एंगल लेस देन 90 डिग्री होगी तो वो हमारा एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगा। लाइक चिल्ड्रन, यू कैन सी हियर एंगल ए इज 70 डिग्री जो कि आपका लेस देन 90 डिग्री है। एंगल बी इज 50 डिग्री जो भी आपका लेस देन 90 डिग्री है एंड एंगल सी भी आपका 60 डिग्री है जो कि लेस देन 90 डिग्री है। चिल्ड्रन, यहाँ पे आपका एक हर एक एंगल क्या है? लेस देन 90 डिग्री है। सो वी कैन से दैट ट्राइंगल आपका ए बी सी जो है इज एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ओके चिल्ड्रन, बस आपको ये ध्यान में रखना है कि एक्यूट एंगल ट्राइंगल वो होता है जिसका हर एक एंगल का मेजर लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए। नाउ सेकेंड वन इज राइट एंगल ट्राइंगल। देखो, मैंने यहाँ पे चिल्ड्रन एक डायग्राम बनाया है ट्राइंगल एल एम एन जो एंड आपका देखो एम पे 90 डिग्री बना हुआ है। चिल्ड्रन, राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है? चिल्ड्रन, राइट एंगल ट्राइंगल हम लोग उस ट्राइंगल को बोलते हैं इन विच वन एंगल इज अ राइट एंगल, तो हम लोग उसको राइट एंगल ट्राइंगल बोलेंगे। इट मीन्स चिल्ड्रन, आपका ऐसा ट्राइंगल जिसमें कोई एक एंगल भी आपका 90 डिग्री हो तो उसको हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल बोलेंगे। चिल्ड्रन, आप यहाँ पर देख सकते हो ट्राइंगल एल एम एन में आपका एंगल एम जो है वो 90 डिग्री है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि एंगल एम जो है वो आपका राइट एंगल है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ट्राइंगल एल एम एन आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। और चिल्ड्रन, सेकेंड वन इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। चिल्ड्रन, हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल किसको बोलेंगे? तो चिल्ड्रन, अ ट्राइंगल हुज वन एंगल इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। इतने चिल्ड्रन, सारा एंगल ऑब्ट्यूज हो ये जरूरी नहीं है, सारा एंगल ऑब्ट्यूज होना भी नहीं चाहिए एक ट्राइंगल के लिए, बट आपका कोई एक एंगल जो है वो ऑब्ट्यूज होना चाहिए। लाइक 90 डिग्री एंड 180 डिग्री के बीच में आपका एक एंगल होना चाहिए। तो चिल्ड्रन, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हम लोग उन्हीं को बोलते हैं जिसका ट्राइंगल का कोई एक एंगल भी जो हो वो ऑब्ट्यूज हो जो कि आपका 90 डिग्री एंड 180 डिग्री के बीच में हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ट्राइंगल एक्स वाई जेड में आपका एंगल वाई जो है वो 140 डिग्री है जो कि आपका ग्रेटर देन 90 डिग्री है एंड 140 डिग्री आपका लेस देन 180 डिग्री। इट मीन्स 90 एंड 180 के बीच में आपका ये एंगल है, तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं ना कि ट्राइंगल एक्स वाई जेड इज एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। चिल्ड्रेन, वी विल नॉट लर्न
द क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, साइड्स के बेसिस पे हम लोग ट्रायंगल क्लासिफिकेशन करेंगे. चिल्ड्रेन, हम लोग का क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल बेसिस ऑफ साइड्स पे थ्री ट्रायंगल हम लोग सीखेंगे आज. फर्स्ट हम लोग का होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल. चिल्ड्रेन, इक्विलेटरल ट्रायंगल हम लोग का वही होता है जिसकी सारी साइड्स आपस में इक्वल होती है एंड सारी एंगल भी आपस में इक्वल होती है. सो चिल्ड्रेन, आई एम रिपीटिंग इट वंस मोर. अ ट्रायंगल हुज ऑल द थ्री साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, मतलब हर एक साइड्स का जो लेंथ होगा वो आपका इक्वल होना. अगर ये साइड आपका 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए और ये भी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए. सारे साइड्स का लेंथ जो है वो बिल्कुल इक्वल होना चाहिए. एंड देयर एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल. ये सारे एंगल्स आपस में भी इक्वल होते हैं. इट मीन्स इसकी हर अंचल में, आपको एक बात यहाँ पे और बता देती हूँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे एंगल की जो मेजर होती है वो 60 डिग्री होती है. ईच एंगल की मेजर 60 डिग्री होती है इन इक्विलेटरल ट्रायंगल. सो चिल्ड्रेन, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल हम लोग फिर से रिपीट कर रहे हैं. इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होता है जैसे इन ट्रायंगल, आप यहाँ पे देखो, इन ट्रायंगल ए बी सी, आपका ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी है. इसमें सारा साइड्स आपस में इक्वल होना चाहिए एंड आपका एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी होना चाहिए. सारे एंगल्स भी आपस में इक्वल होने चाहिए. चिल्ड्रेन, मैंने अभी जस्ट बताया आपको कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे एंगल्स की मेजर कितनी होती है, 60 डिग्री होती है. ओके चिल्ड्रेन, नाउ चिल्ड्रेन, आइसोसेलेस ट्रायंगल. चिल्ड्रेन, आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होते हैं अ ट्रायंगल हुज एनी टू साइड्स आर इक्वल. इट मीन्स चिल्ड्रेन, आइसोसेलेस ट्रायंगल में सिर्फ टू ही साइड्स आपस में इक्वल होते हैं. सारे साइड्स इक्वल हो जाएंगे तो वो इक्विलेटरल हो जाएगा. सो आइसोसेलेस में सिर्फ टू साइड्स आपस में इक्वल होते हैं एंड चिल्ड्रेन उसकी टू एंगल्स भी जो अपोजिट एंगल्स होती है वो भी आपस में इक्वल होती है. वन टाइम मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, अ ट्रायंगल हुज एनी टू साइड्स आर इक्वल इन लेंथ. सिर्फ टू साइड्स आपस में लेंथ इक्वल हो, जैसे अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर हो, ये आपका 5 सेंटीमीटर हो तो चलेगा, बट टू साइड्स की जो लेंथ है वो बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए. सो वी कैन से दैट इन ट्रायंगल DEF, DE इज इक्वल टू DF होना चाहिए. सेकेंड थिंग चिल्ड्रेन, हम लोग एंगल्स की बात करें तो इन आइसोसेलेस ट्रायंगल द एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल. जैसे अगर इस साइड की कौन सी एंगल अपोजिट, इस साइड से आप देखो इसकी अपोजिट एंगल कौन सी होगी, एंगल E होगी एंड इस साइड की अपोजिट एंगल कौन सी होगी, एंगल F होगी. सो चिल्ड्रेन, अपोजिट साइड्स की एंगल भी आपस में इक्वल होती है. सो यू कैन से एंगल E इज इक्वल टू एंगल F. सो दिस इज आइसोसेलेस ट्रायंगल. नाउ कम टू स्केलेन ट्रायंगल. सो ट्रायंगल, यू कैन सी हियर द ट्रायंगल इज इन ट्रायंगल GHI. चिल्ड्रेन, स्केलेन ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी कोई भी साइड्स आपस में इक्वल नहीं होती है. मीन्स ये तीनों साइड्स जो है वो अनइक्वल लेंथ की होती है, कोई भी साइड्स आपस में इक्वल नहीं होती है. सो यू कैन सी दैट इन ट्रायंगल GHI, HG नॉट इक्वल टू HI, नॉट इक्वल टू GI. इसको हम लोग पढ़ते हैं नॉट इक्वल टू. ओके चिल्ड्रेन, इसका मतलब हो गया कि कोई भी साइड्स आपस में इक्वल नहीं होती है. एंड चिल्ड्रेन, हम लोग अगर एंगल्स की बात करें तो इसकी कोई एंगल्स भी आपस में इक्वल नहीं होती है. सो यू कैन से दैट एंगल G नॉट इक्वल टू एंगल H नॉट इक्वल टू एंगल I. नाउ चिल्ड्रेन, वी आर गोइंग टू नाउ लर्न अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स. इट मीन्स चिल्ड्रेन, ट्रायंगल्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है जो हम लोग को माइंड में रखना बहुत जरूरी है. चिल्ड्रेन, आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी इज द सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज वन, इज ऑलवेज 180 डिग्री. इट मीन्स चिल्ड्रेन, एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का जो हम लोग सम करेंगे तो वो हमेशा कितना आना चाहिए, 180 डिग्री ही होता है. ये आपका प्रॉपर्टी फर्स्ट है. चिल्ड्रेन, आफ्टर नोइंग द फर्स्ट प्रॉपर्टी वी आर गोइंग टू सॉल्व वन एग्जाम्पल बेस्ड ऑन आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी. योर क्वेश्चन इज, टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल एंगल ए एंड एंगल बी आर 40 एंड 100 डिग्री रेस्पेक्टिवली, फाइंड द मेजर ऑफ द थर्ड एंगल सी. तो चिल्ड्रेन, आपका यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये आप अगर इसको नेमिंग कर लो ए बी सी, आपका एंगल ए बता रहा है 40 डिग्री एंड एंगल बी इज आपका 100 डिग्री है. चिल्ड्रेन, आपको एंगल सी फाइंड करने के लिए पूछ रहा है. चिल्ड्रेन, आप पहले यहाँ पे क्या लिखोगे,
कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप यहाँ पे लिख सकते हो बाय प्रॉपर्टी 1, मतलब प्रॉपर्टी 4 से हम लोग जानते हैं कि सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। नाउ यू विल पुट द वैल्यू ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी। एंगल ए इज 40 डिग्री, एंगल बी इज 100 डिग्री, प्लस एंगल सी आपको नहीं आपको डिफाइन करना है एंड इसको 20 डिग्री। नाउ वी विल ऐड दिस, तो 100 प्लस 40 इज 140 डिग्री, प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, सो एंगल सी इज इक्वल टू 40 डिग्री। सो दिस इज आवर आंसर। चिल्ड्रेन, आवर प्रॉपर्टी नंबर 2 इज अ ट्रायंगल मस्ट हैव वन एंगल ऑफ आइदर 60 डिग्री और मोर देन 60 डिग्री। इट मीन्स चिल्ड्रेन, आपकी एक ट्रायंगल में एक एंगल कम से कम 60 डिग्री होना चाहिए या मोर देन 60 डिग्री होना चाहिए। व्हाई चिल्ड्रेन, इसकी एक रीजन इसलिए है कि अगर इफ ऑल द 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर लेस देन 60 डिग्री, अगर आपका एक ट्रायंगल का सारा एंगल लेस देन 60 डिग्री होगा तो तीनों एंगल का सम कभी भी 180 डिग्री नहीं आएगा। सो चिल्ड्रेन, ट्रायंगल में एक एंगल 60 डिग्री या मोर देन 60 डिग्री हमेशा होना चाहिए। सो वन एग्जाम्पल इज योर चिल्ड्रेन, कैन देयर बी एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ऑफ 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 55 डिग्री मेजर्स पॉसिबल। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि या तीनों एंगल से क्या एक ट्राइंगल बनना पॉसिबल है। चिल्ड्रेन लेट्स चेक इट आउट। फर्स्ट यू कैन राइट हियर एंगल ए इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड एंगल सी इज इक्वल टू 55 डिग्री। सो चिल्ड्रेन, वी नो अकॉर्डिंग टू आवर प्रॉपर्टी सम ऑफ 3 एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। हम लोग जानते हैं प्रॉपर्टी का, चिल्ड्रेन प्रॉपर्टी का से फर्स्ट प्रॉपर्टी से हम लोग ये चीज जानते हैं कि सम ऑफ 3 एंगल्स 20 डिग्री होता है। सो अगर हम लोग एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी करेंगे तो हम लोग का 180 डिग्री आना चाहिए। अगर आ गया इट मीन्स ट्राइंगल पॉसिबल है। सो नाउ वी विल एड एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। सो एंगल ए 30 डिग्री, एंगल बी 45 डिग्री एंड प्लस एंगल सी 55 डिग्री। चिल्ड्रेन ऐड करने पे हम लोग की आती है 130 डिग्री। सो चिल्ड्रेन 130 डिग्री इज लेस देन 180 डिग्री। सो ट्रायंगल पॉसिबल होगा? नो चिल्ड्रेन। व्हाई चिल्ड्रेन, ट्रायंगल पॉसिबल क्यों नहीं होगा? बिकॉज चिल्ड्रेन, सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। सो वी कैन राइट हियर, थस दिस ट्रायंगल is not possible. Now children, property number 3 is a triangle cannot have more than one right angle. It means children, एक triangle में आपका कभी भी एक से ज्यादा right angle means 90 degree angle नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन, इसका reason क्या है कि क्यों नहीं होना चाहिए? Because children, अगर एक triangle में more than one right angle होगा तो sum of 3 angles 180 डिग्री से मोर होगा, मतलब ज्यादा हो जाएगा। जबकि हम लोग का प्रॉपर्टी क्या है ट्रायंगल का, कि सम ऑफ 3 एंगल्स ऑलवेज 180 डिग्री होना चाहिए। वन एग्जांपल इज गिवन हियर, कैन देयर बी एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल ऑफ 90 डिग्री, 45 डिग्री एंड 90 डिग्री मेजर्स पॉसिबल। सो लेट अस चेक कि इस एंगल से हम लोग ट्रायंगल बनना पॉसिबल है या नहीं। सो वी कैन मार्क इट एज एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। चिल्ड्रेन, अकॉर्डिंग टू आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी वी नो दैट सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। सो वी हैव टू एड द ऑल द एंगल्स, सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। सो 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस 90 डिग्री, सो वी गेट चिल्ड्रेन 225 डिग्री। Children, we can see here 225 degree is greater than 180 degree. So children, हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि आपका जो एंगल कितना निकल गया, 180 से ज्यादा हो गया, जबकि हम लोग का ज्यादा नहीं आना चाहिए, हमेशा तीनों एंगल का सम 180 आना चाहिए। सो इसमें आपका ट्राइंगल बनना पॉसिबल नहीं है। प्रॉपर्टी 4 इज अ ट्राइंगल कैन नॉट हैव मोर देन वन ऑब्ट्यूज एंगल। इट मीन्स चिल्ड्रेन, कि आपके एक ट्राइंगल में वन से ज्यादा ऑब्ट्यूज एंगल नहीं आना चाहिए।
आपको जो पता है आपके जंगल का मतलब क्या होता है, जो जिसका मेजर 90 डिग्री एंड 180 डिग्री के बीच में होता है, इट मीन्स मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। एक यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन दिया हुआ है, एंगल ए का मेजर दिया हुआ है, बी का दिया हुआ है, सी का दिया हुआ है, एंड यू हैव टू चेक इज दिस ट्रायंगल पॉसिबल। सो लेट अस ऐड ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। एंगल बी प्लस एंगल सी 110 डिग्री प्लस 95 डिग्री प्लस 45 डिग्री। सो इफ वी ऐड इट चिल्ड्रन, वी हाउ मच डू वी गेट, वी गेट 5 प्लस 5 10 0 1 कैरी, 9 प्लस 1 10 14 प्लस 6 1 260 डिग्री। सो चिल्ड्रन यहाँ पे हम लोग का मेजर कितना आया, 260 डिग्री आया, सॉरी चिल्ड्रन 250 डिग्री आया। तो ये हम लोग का क्या हो गया ना, 180 डिग्री से ग्रेटर हो गया। सो इसमें भी ट्रायंगल बनना पॉसिबल नहीं है। नाउ चिल्ड्रन आवर लास्ट प्रॉपर्टी इज द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। इट मीन्स अगर कोई आपका ट्रायंगल दिया हुआ है, जैसे ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, एंड ये आपका 1 सेंटीमीटर हो। चिल्ड्रन यहाँ पे आपका प्रॉपर्टी ये बोल रहा है कि टू साइड्स का लेंथ जो हो, अगर हम टू साइड्स के लेंथ को सम करें तो वो हमेशा ग्रेटर होना चाहिए लेंथ ऑफ द थर्ड साइड से। चिल्ड्रन यहाँ पे एक रूल मैं आपको ये बताना जा रही हूँ कि जब भी हम लोग टू साइड्स की लेंथ को सम करेंगे वो हमेशा टू स्मॉलर साइड्स होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल वन क्वेश्चन इज हियर, देयर इज अ ट्रायंगल ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर, इज दिस ट्रायंगल पॉसिबल। चिल्ड्रन आप लोग क्या एक क्या कर सकते हो, एक ट्रायंगल बना लो ऐसे ही, आप इसको ए मान लो साइड को, ये साइड को बी मान लो, ये साइड को सी मान लो। चिल्ड्रन आपका ए साइड कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बी साइड आपका 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एंड आपका सी साइड 15 सेंटीमीटर है। सो चिल्ड्रन वी नो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी 5 दैट सम ऑफ टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल मस्ट बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। सो चिल्ड्रन व्हाट वी विल डू इज वी विल राइट सम ऑफ द स्मॉलर साइड्स। चिल्ड्रन ये चीज आपको ध्यान रखना है कि हम लोग जब भी सम करेंगे टू साइड्स का वो हमेशा टू स्मॉलर साइड्स होना चाहिए। So what are our two smaller sides is A and B. So we will write sum of two smaller sides, that is A plus B is 7 centimeter plus 6 centimeter, which is 13 centimeter. So आप यहाँ पे देखो two smaller sides को जो हम लोगों ने plus plus किया है तो हम लोग की plus करके जो आई है वो है 13 centimeter, जो कि आपका length of the third side से less है. So we can say that 13 centimeter is less than 15 सेंटीमीटर। सो आपका ट्रायंगल बनना पॉसिबल नहीं है। टू स्मॉलर साइड्स की सम हमेशा ग्रेटर होनी चाहिए लेंथ ऑफ द थर्ड साइड से। नाउ चिल्ड्रन आवर लास्ट टॉपिक इज क्वाड्रिलेटरल। चिल्ड्रन अ क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल। इट मीन्स चिल्ड्रन ऐसा कोई भी क्लोज्ड फिगर। चिल्ड्रन आवर टॉपिक इज ड्रॉइंग एन एंगल। चिल्ड्रन इन दिस we will learn how to draw an angle using protractor and a ruler. So children, our first step is, first what we have to do is, with the help of this ruler children, you have to draw a baseline of angle ABC. So we will take a baseline BC. So for that we will make a baseline with the help of this ruler. You can see I have placed this ruler and I have point two points. One point we will mark on O. You can see I have first made a point marking on O and a point marking on 10. You can take baseline as long as possible, but just I am taking a baseline of 10 centimeter. So I have, you can see here children, I have made a baseline. I am marking it B, C. This is our baseline. Now children, second step is, now you will place the center O of the protractor on the point of P. What we are going to do is, you can see here is the center point of protractor. We will have to place this center point on this vertex B. So I am placing this center on the vertex B, and this baseline will touch the this length of BC. So now you can see you have to read the degree on the protractor starting from point 6. So from here we are going to do the degree from point C, which is at 0 degree. Now
we will make a mark of point A where we will see the measure of angle 80 degree. So you can see here, starting from 0, our 80 degree is here. So we will put a dot mark on 80 degree. And then with the help of a ruler, we will join this line. So children, this is our point A. So we can say that children, our this angle is formed and its measure is 80 degree. Also we can say angle ABC is equal to 80 degree. But children, our theory part is completed. Now we are going to solve some examples based on our theory part. So you can see our first example is find the complementary angle of 80 degree. We have to find the complementary angle of 80 degree. So how to find the complementary angle of 80 degree, children? So children, just now we have read that two angles are said to be complementary if the sum of their measure is 90 degree. So children, you can write here complementary angle of 80 degree is equal to 90 degree minus 80 degree is equal to 10 degree. This is the way of finding the complementary angle of any angle. Okay children, next example is find the supplementary angle of 110 degree. Children, we know that two angles are said to be supplementary if the sum of their measure is 180 degree. So children, what we will write here is supplementary angle of 110 degree is equal to 180 degree minus 110 degree. So our answer will be 70 degree. Now children, question number 3. Without measuring, classify the following angles. Children, two angles have been drawn here. Without measuring from the protractor, you have to classify the following angle. So you can see this angle is 90 degree form is formed here. So we can say this angle is right angle. So you can see this is a straight angle which measured is like 90 degree. So we can say this is a straight angle. So we will write here straight angle. Example 4 is name the complementary angle. One angle is drawn here, children, and you can see the measure is 90 degree of both the angles. Measure 90 degree. So you have to name the complementary angle. So children, first angle we can name here is angle L, M and N. And second angle we can name here is angle NMO. Now question number 5 is write what type of angles are the following. चलिए यहाँ पे देखो आपकी मेजर एंगल की मेजर दी हुई है. आपको सिर्फ लिखना है कि ये कौन सा टाइप ऑफ एंगल्स है. फर्स्ट इज 108 डिग्री. सो चिल्ड्रन वी कैन नो दैट द एंगल विच मेजर्स मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री इज एक्यूट एंगल. सो 108 डिग्री इज एक्यूट. सेकेंड वन, राइट व्हाट टाइप ऑफ एंगल आर द फॉलोइंग. सेकेंड डिग्री इज गिवन हियर इज 92 डिग्री. सॉरी चिल्ड्रन, वन मिस्टेक आई हैव डन हियर इज the angle which measures more than 90 degree and less than 180 degree is obtuse angle. So by mistake I have written here acute, it will be obtuse. Second degree given here is 92 degree. So children, we know that the angle which measures more than 0 degree and less than 90 degree is acute. So acute will be here. Now children, you have to name the supplementary angle. You can see here two angles are formed here and the sum of these both angle is 180 degree. So now you have to write the names of supplementary angle. So first name we will write here is angle GHJ. Second angle we can write here is IHJ or you can write JHI. So I am writing JHI. Children, while writing angle, मैंने बताया था आपको एक चीज बस ध्यान में रखना है, that vertex will always be placed in the middle part. So question number 7 is name the adjacent angles. Also write their common vertex and common arm. So children, हम लोगों ने adjacent angles के बारे में पढ़ा है. So looking at this figure, we can say adjacent angle is angle KLM and angle NLM. NLM. Common vertex. Which is the common vertex? So L is the common vertex.
common arm. So LM is the common arm. In the same way, children, question number 8 is, name the pairs of vertically opposite angle. You have to name the pairs of vertically opposite angle. Children, we know that this and this makes one pair, and this makes second pair. So first pair of vertically opposite angle is angle KOM and angle NOL. And second pair of vertically opposite angle is angle KON and MOL. That's all for today, children. Thank you.